बस्तर, नाम सुनते ही जहन में नक्सली घटनाएं आ जाती हैं। आए दिन इस इलाके से नक्सल से जुड़ी खबर सामने आती है। अब सुदीप्तो सेन और विपुल शाह बस्तर की घटनाओं से जुड़ी एक फिल्म लेकर आए हैं। नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। और आज हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और स्टारकास्ट यानी कि एक्ट्रेस अदा शर्मा मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे बस्तर द नक्सल स्टोरी के बारे में। पहला सवाल लेकिन मेरा अदा से रहेगा, क्योंकि अदा जो हमने फिल्म के ट्रेलर में देखा और जो हम आपको यहाँ देख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे, तो कैसे आपने इस रोल को पोर्ट्रे किया और क्यों खास आपको ये लगा? ये मेरे लिए बहुत खास फिल्म है क्योंकि देश के लिए है, देश के ऐसे मैटर के बारे में है जो हमसे छुपाया गया है। मुझे भी नहीं पता था जो इश्यूज दिखाए गए फिल्म में, और जब पता चला तो मुझे इतना गुस्सा आया, इतनी फ्रस्ट्रेटेड मैंने फील किया, बिकॉज हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। हम लोग ने जब तक अवेयरनेस है तभी कुछ कर सकते हैं, जब अवेयरनेस नहीं है तो बहुत मुश्किल है करना। एंड आई होप कि ये फिल्म से लोग अवेयर हो जाएंगे जैसे मैं हुई। एंड हाँ, लुक ऑफ कोर्स अलग है बिकॉज रियल लाइफ में मैं ऐसी लगती हूँ, बट फिल्म में हम लोग ने बहुत मेहनत किया ताकि मैं रियलिस्टिक लगूँ। एक कॉप जो जंगल में रहती है, जो अपने देश के लिए वो लड़ रही है, बड़ी करप्शन से लड़ रही है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, एक सिस्टम से जो वो करप्शन सपोर्ट कर रहा है। एंड हम लोग रियल लाइफ CRPF वुमेन से भी हम लोग मिले, एंड वो उनसे मिलके आई थिंक मैं बहुत प्रभावित हुई, तो वो रियलिस्टिकनेस परफॉर्मेंस में और लुक में वो सब आ ही गया। सुदीप, तो हाउ दिस बेबी वाज बोर्न, और कैसे आपने बस्तर को एक आइडिया को डेवलप किया कि ताकि ये जो तमाम जो अलग चीजें आती रही हैं, जब भी हम बात करते हैं बस्तर की या नक्सल की, तो फिर एक स्टीरियोटाइप इमेज बन जाती है, उस ढांचे में फिल्म ना ढले, तो आपने उसके लिए कैसे मेहनत करी? मैंने इस मूवमेंट को, जो नक्सलबारी मूवमेंट जिसको बोला जाता है, वो 1967 में नक्सलबारी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की नक्सलबारी में शुरू हुई थी। मेरा जन्म उस जगह से सिर्फ 40-45 किलोमीटर दूर है, तो मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरे जन्म के बाद से, मैंने उस मूवमेंट को भी इवॉल्व होते हुए देखा। उस मूवमेंट नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल आए, साउथ बंगाल से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र करते करते जब आगे बढ़ते गए, मेरा भी इंटरेस्ट लेवल इसके ऊपर बढ़ता गया, क्योंकि मैं फिल्म मेकर शुरू से नहीं बनूंगा ऐसा तो शुरू से मालूम नहीं था। लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, उसी दिन से मुझे लगा कि इस मूवमेंट के ऊपर मुझे एक फिल्म बनाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें इतना हिंसा है, इसमें इतनी इतने सारे मुद्दा है जो हमारी देश के साथ तालमेल नहीं खाता। क्योंकि ये जो माओवाद है, ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज है, ये आइडियोलॉजी हमारी देश की आइडियोलॉजी नहीं है, ये चाइना से, रशिया से इंपोर्ट किया गया है। तो मुझे ये लगा कि एक विदेशी आइडियोलॉजी हमारी देश में आके, हमारी देश की जो 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 एक 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 समाज की, संस्कृति की, कल्चर की जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था, उसको तोड़ने लगे, लोगों के अंदर हिंसा इन्फ्लिक्ट किया गया, तो मुझे लगा था कि इसके ऊपर फिल्म बनाना चाहिए। लास्ट 8-10 साल से, जब से बस्तर बना, बस्तर जाना शुरू हुई, और उसके बाद जाते जाते नया नया कैरेक्टर, नया नया इश्यूज सामने आने लगा, और एक दिन विपुल जी से मिल गए तो डिसाइड किए कि इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे और विपुल जी प्रोड्यूस करेंगे। एक मेरा सवाल विपुल आपसे यही है, क्योंकि कमर्शियल जब एस्पेक्ट होता है फिल्म से जुड़ा हुआ, तो सीधा उससे प्रोड्यूसर प्रभावित होता है। बिंग प्रोड्यूसर, आप कैसे, सुदीप्तो ने आपको इस आइडिया के लिए कन्विंस किया कि आप इस पर मूवी बनाए? देखिए, जब मैंने ये पूरा जो रिसर्च मटेरियल दादा ने मुझे दिया वो मैंने देखा, तो उसमें कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें थी। अब बस्तर में 76 जवानों को शहीद किया गया, ये किस्सा तो बहुत सारे लोगों को पता है। उस पे JNU में एक सेलिब्रेशन हुआ, ये किस्सा भी लोगों को पता है। लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा कि एक 4 महीने के बच्चे को सर पे आयरन रॉड मार के मार दिया गया। उस रिसर्च में मैंने देखा कि 8 बच्चों को अपनी माओ से छीन कर जिंदा जला दिया गया आग में। और भी बहुत सारे एपिसोड वायलेंस के मैंने देखे, 52 जवान शहीद हुए, कहीं 36 जवान शहीद हुए। फिर जब हमने और रिसर्च किया तो पता चला कि NHRC की एक रिपोर्ट है कि माओवादी हिंसा में
पिछले 50 साल में भारत में 55,000 के करीब मौतें हुई हैं, और कश्मीर में 1952 से लेके आज तक का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा है वो है 47,000। तो कश्मीर से ज़्यादा मौत जहाँ हुई है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और कश्मीर 3 दशकों से नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मुद्दे की तरह चलता रहा। तो हम थोड़ा सा चौंक गए, हम वहाँ गए भी, हमने जब वहाँ गए बस्तर में तो एक और पहलू देखा कि वहाँ नक्सलवादी सड़क नहीं बनाने देते, स्कूल नहीं बनाने देते, हॉस्पिटल नहीं बनाने देते, यहाँ तक कि भारत का झंडा आप वहाँ के स्कूलों में नहीं फहरा सकते या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में भारत का झंडा नहीं फहरा सकते। हर फैमिली को अपना एक बच्चा नक्सलवादियों को दे देना, अगर नहीं देंगे तो पूरे फैमिली को मार देंगे, ये दहशत है। ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बना के रखे हैं। और फिर देखा कि शहरों में बैठे हुए कुछ लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स ये एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो नक्सली हैं ये तो गरीबों की मदद करने के लिए वहाँ गए हैं और विकास के लिए गए हैं। तो मुझे ताज्जुब यह हुआ कि ये क्या विकास है जहाँ ना रोड बनने देते हैं, ना स्कूल बनने देते हैं, ना हॉस्पिटल बनने देते हैं, और आप बात करते हैं विकास की, तो बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा। तो ये सब जब देखा तो मुझे लगा कि ये पूरा जो नेक्सस है, वहाँ बैठे नक्सली और शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल, इनको अगर एक्सपोज करती हुई एक सच्ची और ईमानदार और एक बोल्ड फिल्म बनाई जाए तो इस देश के करोड़ों लोगों की आंखें खुल जाएंगी। और हमारे देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों को, इन लेफ्ट लिबरल्स को भी और इन नक्सलियों को भी उखाड़ के फेंके, क्योंकि इनका मेन गोल है भारत को तोड़ना, भारत को नुकसान करना। वो हमारे देश के लिए भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक लोकल बस्तर का मुद्दा नहीं है। तो इतने सारे जब आप विषय देखते हैं तो फिर आप अपने आप को फिल्म बनाने से रोक नहीं सकते। सुदीप, तो लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि जब आप एक सेंसिटिव इश्यू को रेज करते हैं और फिल्म द केरल स्टोरी के सक्सेस के बाद आप तीनों ही इस फिल्म में का हिस्सा थे, और सक्सेस के बाद ये तो एलिगेशंस भी लग रहे होंगे, सवाल भी उठ रहे होंगे कि आप एक पॉलिटिसाइज्ड इशू को उठाकर उस टाइमिंग का फायदा उठाना चाह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, नंबर वन कौन सी टाइमिंग, मतलब इलेक्शन आ रहा है, ये ऐसा कुछ टाइमिंग की बात कर रहे हैं? जो इस तरह के सेंटीमेंट की बात, अच्छा, ना हो, अभी अभी बता दूं, केरला स्टोरी, सच बोलने का कोई टाइम नहीं होता, ये हमारी बिलीफ है दादा। ये केरला स्टोरी कोई पॉलिटिकल फिल्म नहीं था, केरला स्टोरी 4 दोस्तों की फिल्म था, जिनमें एक दोस्त अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है, पड़ी हुई है, अभी तक वापस नहीं आ पाई। एक दोस्त जिसने खुदकुशी कर ली, उसके माँ बाप अभी भी उसकी जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। एक दोस्त जिसको बार बार रेप किया गया, आज भी उसकी FIR की इंप्लीमेंट करने के लिए वो वेट कर रही है। और ये तीनों जो सच घटना, जो ट्रूथ है इसके पीछे, उसकी माँ बाप फैमिली के लोग हमारी फिल्म के एंड में आके हमारी फिल्म में बोलते हैं, आपने देखा होगा मेरी फिल्म। तो ये एक ह्यूमन स्टोरी था। सिमिलरली बस्तर भी एक ह्यूमन स्टोरी है। वहाँ के लोग, बस्तर की लोगों को जिस तरह सताया जा गया पिछले 50 साल में, जिस तरह उनके ऊपर विभत्स एट्रोसिटीज थोपा गया, जिस तरह उनको दहशत में रखा गया, जितना डर में वो लोग जीते हैं, हमने हमारी फिल्म में बस उसी की बात की। क्योंकि बंदूक उठा के किसी को डराना कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और वो जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स हमारे देश की पॉलिटिक्स नहीं है। तो बिल्कुल हमारी फिल्म पॉलिटिकल फिल्म है ही नहीं। हमारी फिल्म उन लोगों की, बस्तर की लोगों की, पिछले 50 साल में इन लोगों ने जो एक्सप्लॉयटेशन, जो दहशत, जो अत्याचार सहा है, उसकी कहानी है। और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कोई लड़ाई नहीं हो सकता जो बंदूक की कल्चर के बिलीव करता है। तो बड़ी सिंपल ह्यूमन ट्रेजेडी की स्टोरी है ये बस्तर। ठीक है अदा, जब किसी कोई लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है तो जाहिर सी बात है, चाहे जितने भी हम लोग कैमरे के आगे रहते हैं तो एक ग्लैमर क्वेश्चन तो जुड़ा हुआ रहता है। फिल्म द केरल स्टोरी, उसके बाद बस्तर के साथ आ पा रही है, डर है मन में कहीं कि स्टाइप, मतलब स्टीरियोटाइप ना हो जाए इमेज? नहीं, आई थिंक देश के बारे में वो सच्चाई बाहर लेके आना वो बहुत ही ग्लैमरस काम है मेरे हिसाब से।
तो आई थिंक ये फिल्म्स ग्लैमर, इट डिपेंड्स कि आपका डेफिनेशन ग्लैमरस से क्या है. अगर लाइक अच्छे कपड़े पहनना और थोड़ा सा मेकअप करना, वो तो हम लोग रोज एनीवे कर सकते हैं कोई भी एड के शूट में या कुछ. बट ऐसे हार्ड हिटिंग फिल्म्स, ऐसे रियलिस्टिक फिल्म्स अगर आप कर रहे हो और अगर आपको वो मौका मिल रहा है करने के लिए, तो आई थिंक मैं बहुत ही फॉर्चुनेट और बहुत ही लकी हूँ. एंड ग्लैमरस रोल्स भी मैं करती हूँ. आई थिंक अ मिक्सचर ऑफ बोथ, एज एन एक्ट्रेस इट्स नाइस, पर ऐसी फिल्में करना और जैसे द केरला स्टोरी, इतने सारे लोगों ने देखा, इतने सारे लोगों ने प्यार दिया, मतलब कुछ है इन फिल्मों में. एंड आई फील कि इन फिल्मों के लिए भी ऑडियंस है, तो आई फील कि करना चाहिए. विपुल, क्योंकि एक फिल्म मेकर के तौर पर जितना हम देख रहे हैं कंटेंट पिछले कुछ समय से, OTT प्लेटफॉर्म्स के बाद ये कहा भी गया है कि जो कंटेंट, जो व्यूअर है ना, वो चूजी हो गया है और कंटेंट को लेकर ज़्यादा अवेयर हो गया है. क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, डेफिनेटली ये बात तो सही है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं दो श्रेणियों में विभाजित करता हूँ. केरला के कोरोना से पहले के दर्शक थे और कोरोना के बाद के दर्शक हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान घर पर बैठ के उन्होंने OTT पर पूरी दुनिया का कॉन्टेंट देखा. यूरोपियन, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ईरानियन, कोरियन, हर कंटेंट को इंडियन ऑडियंस ने भर भर के देखा और चार साल में उनकी उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सिनेमा से वो पूरी तरह बदल चुकी है. और इसीलिए अब वो चाहते हैं कि हमारी फिल्मों में कुछ स्पेशल हो. अगर रेगुलर फिल्म बनती है तो वो देखना नहीं चाहते, और या फिर वो बोलते हैं कि अच्छा चलो एवरेज अच्छी है तो मैं OTT पे आएगी तो देख लूँगा. एक इंसान को या एक फैमिली को घर से निकल के थिएटर तक लाने में अब फिल्म से जो डिमांड या एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ गया है. तो मेहनत सबके लिए ज्यादा है और खैर हमारी फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि इन सब से परे है, क्योंकि जब आप एक देश के अंदर हो रहे एक इतने बड़े षड्यंत्र को एक्सपोज करते हैं तो वो फिल्म मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक जरूरी फिल्म बन जाती है, जैसे केरला स्टोरी बनी. मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भी वैसी बनेगी लोगों के लिए. तो हमारी फिल्म के लिए मुझे लगता है कि ये उन दायरों से बाहर है. अदा, जब मैं आपसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो एक चीज़ मुझे बहुत दिलचस्प फैक्ट आपके बारे में मालूम पड़ा, जो अक्सर लोगों का छुप जाता है पहलू, और आज महाशिवरात्रि का मौका भी है कि आप बहुत सुंदर भजन भी गा लेती हैं. शिव जी का शिव स्तुति ऑफकोर्स. कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि का मौका भी है. एब्सोल्युटली. शिव तांडव तो काफी लंबा होगा, आई डोंट नो अगर आपका सेगमेंट 9-10 मिनट का है, बट आई थिंक जो शॉर्ट है एक शिव जी का जो मेरी मम्मा और मैं करते हैं घर पे. ओम यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंटम टटंटम तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुखु खुखुमम खं 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 डंसम डंसम डु डंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रज्ञा हि सवसति सवलः पातु वश्चंद्रचूड. वेरी नाइस. आप बचपन से आप ही गाती हैं? नहीं, एक्चुअली ये मम्मा ने मुझे 3 महीने पहले सिखाया था ये वाला शिव तांडव, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ. अच्छा अदा, एक एपिसोड मतलब जब हम बात करते हैं किसी मूवी को लेकर, जब आपने कहा कि जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स मालूम पड़े जिनसे आप अब तक अवेयर नहीं थी, कोई अपने शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा सुनाइए कि किस तरीके से आपने कोई एक ऐसा एपिसोड आपको याद आया हो कि जब, क्योंकि ब्रेकडाउन अक्सर होता है ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए जब एक्टर्स निभाते हैं इस तरह के रोल्स. आई थिंक बहुत सिचुएशंस है हमारी मूवी में. हमारी मूवी में एक कैरेक्टर है जो एक ट्राइबल वुमन है बस्तर में, एंड उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है बिकॉज उन्होंने अपने स्कूल में इंडियन फ्लैग हॉइस्ट किया है, मतलब अपने देश के अंदर ही वो रहते हैं बस्तर में, और इंडियन फ्लैग उन्होंने हॉइस्ट किया और उसके लिए उसे टुकड़ों में काटा जाता है उसकी बेटी और उसके वाइफ के सामने, और उसका बड़ा बेटा वो लोग लेके जाते हैं नक्सली बनने के लिए. एंड यही इंसिडेंट हमारे ट्रेलर में भी है. मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और एक शूट से दूसरे शूट या अब एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू, और बस्तर के बहुत सारे लोग और छत्तीसगढ़ के लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लोग ने ये इंसिडेंट पढ़ा है, लाइक रियल लाइफ में हम लोग जानते हैं ये इंसिडेंट्स के बारे में और हम लोग रुके हैं ये फिल्म के लिए. थैंक गॉड समन ने किसी कोई फिल्म किसी ने छत्तीसगढ़ के बारे में बनाया है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई. वो इंसिडेंट वो जो CRPF कैंप्स में लड़कियां काम करती है, एक औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी और 7 महीने तक उन्होंने बताया नहीं किसी को ताकि वो ड्यूटी पे रह सके. आई थिंक एक CRPF जवान का इतना सेल्फलेस काम करना हमारे देश के लिए वो बहुत ही बड़ा है. बहुत अक्सर अननोटिस्ड हो जाते हैं. हाँ, टोटली अननोटिस्ड होते हैं.
ये टीम ने दो रिक्वेस्ट की है, एक तो सेंटर वाला कैमरा आपको फॉलो करना है और दूसरा ये कि वो कहा है कि हमारे पास टाइम है पूरा, तो आप चाहे तो आप आई थिंक बहुत लंबा है, मैं एक्चुअली पोलाइटनेस से आपको देख रही हूँ, बिकॉज मुझे काफी अजीब लगता है कि आप बात कर रही है और मैं आपसे मिलने आई हूँ और फिर मैं आपको इग्नोर करके वहाँ देख रही हूँ, तो आई फील कि लोग मुझे मेरा आधा चेहरा भी देखे तो चलेगा, पर अगर मैं आई कॉन्टेक्ट आपसे करके बात करूँ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वेरी वेल पुट। और अगर आप सुनाना चाहें शीतानंद स्रोत? आई थिंक पूरा करना पड़ेगा अभी, आई डोंट नो, आई थिंक आई रादर टॉक अबाउट द मूवी दैट वी आर हियर, बट समय के हमारे पास कोई कमी नहीं, अगर आप चाहें तो। वो इन्होंने एक बार अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, हाँ, तो 9 मिनट का है, बिकॉज आई फील वो जब भी करते तो माहौल बना के करना चाहिए, आई डोंट नो ऐसे न्यूज चैनल पे बैठ के, या इसलिए वो शॉर्ट वाला सुनाया था, जो आप लोग भी सीख सकते हो अब अगर आपने सुना है। और अगर शिव तांडव आपको सीखना है, मेरे इंस्टाग्राम पे है, आप रोज 4 लाइन सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप सब लोग भी सीख लोगे। नाइस विपुल, जब आपने इस पूरी फिल्म को लेकर शूट स्टार्ट किया तो किस तरह के चैलेंजेस फेस किए आपने बस्तर में? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये था कि हम बस्तर जब गए थे और बस्तर में कुछ हिस्से शूट करने की हमारी इच्छा थी, पर हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ के जो जंगल हैं अबूझमार के, उन जंगलों में जाके शूट करना 500-600 लोगों की यूनिट को ले जाना बहुत सेफ़ नहीं है, माहौल वहाँ आज भी सेफ़ नहीं है, और आप एक नक्सल प्रभावित एरिया में जाके एंटी नक्सल फिल्म बना रहे हैं तो कुछ खतरे हो सकते थे, तो हमने वहाँ शूट नहीं किया। हाँ, हमने कुछ सेक्शन गढ़चिरौली, जो बस्तर का महाराष्ट्र की ओर जो हिस्सा आता है, वहाँ पे हमने कुछ क्लाइमैक्स और कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट किए, और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कुछ जंगल हैं, बहुत अंदर जाके उन जंगलों में एक लुक मिलता है जो आपको देख के लगता है कि आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बस्तर में आ गए हैं, तो वैसे जंगल ढूंढे हमने, और वहाँ पे ले जाना सामान इक्विपमेंट वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग मसला था, लेकिन हमने कैसे भी वो अचीव किया और पूरी टीम ने उसमें बहुत सहकार दिया, तो फिर शूटिंग एक फन एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि आपके लोग आपके साथ हैं। सुदीप, तो बस्तर क्यों देखे दर्शक? बस्तर इसलिए देखे क्योंकि जिस जगह के बारे में 99% लोग हमारे देश की, जो बस्तर शब्द ही नहीं जानते थे, इस देश में बस्तर करके कोई जगह है यही नहीं जानते थे, इसके अंदर आज क्या हो रहा है, इसके अंदर कितने हजारों लाखों लोग आज एवरी डे उनके लिए जुद्दोजहद था, एवरी डे उनके लिए एक लड़ाई था, ये देखना बहुत जरूरी है कि कुछ दहशतगर्द ने 10-12 हजार दहशतगर्द बंदूक हाथ में लेके पूरे बस्तर में जिस तरह अत्याचार और जिस तरह दहशत की माहौल बना के रखा है, ये एक भारतीय होने के नाते ये हर इंसान को देखना चाहिए, जानना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो आए, अपना आपने इतना बिजी टाइम निकाला है और दर्शकों को बताया बस्तर नक्सल स्टोरी के बारे में। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म अच्छा करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ बस्तर द नक्सल स्टोरी की जो टीम थी, और वो बता रही कि किस तरह से जो बस्तर द नक्सल स्टोरी है वो कैसे बाकी फिल्म से डिफरेंट है, और बताया कि क्यों दर्शकों को इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखना चाहिए। खबरों के लिए आप देख रही है न्यूज़ 18।